नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का टेस्ट नंबर 22। जी हाँ, इसके पहले आपका 21 टेस्ट हो गया है। जी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, अगर पुराना वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। सारा वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों 100 प्रश्न जी हाँ 75 नहीं पूरे, आज हम लोग 100 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सामान्य अध्ययन का आज प्रश्न है जो आपको एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और इसका PDF आपने प्राप्त नहीं किया है तो ये नंबर है हमारा WhatsApp ग्रुप का और ये हमारा कॉल का भी नंबर है। और इस नंबर पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस नंबर पर 251 रुपये का सहयोग करना पड़ेगा। फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर जो भी आपके पास हो उसके माध्यम से आप इस नंबर पर अगर 251 का सहयोग करते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको वहां पर PDF, वीडियो, नोट्स और भी अदर PDF आपको वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है आपका व्हाट्सएप से जुड़ने का तरीका। और सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के लिए भी यहाँ पर आपका क्लास चल रहा है, तो उसके लिए भी नंबर दिया गया है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कॉलरा यानी कि हैजा किससे उत्पन्न होता है। जी हाँ, जो हैजा बीमारी है ये किससे उत्पन्न होता है। आपका आपके सिलेबस में साइंस का भी प्रश्न है, साइंस से आपको पूछा जाएगा, है ना। कम से कम साइंस से आपको 20 प्रश्न लगभग पूछा जाएगा, है ना। तो साइंस का प्रश्न है कि कॉलरा जो है ये किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु से, फंगस से, अलगी से या फिर वायरस से। तो कॉलरा जो उत्पन्न होता है ये बैक्टीरिया से होता है यानी कि जीवाणु से होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आप सभी अपना अपना नीचे कॉमेंट करते चलिएगा और कॉमेंट करने से है ना कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि मैंने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। जी हाँ, किस प्रक्रम से कह रहा है, तो भौतिक प्रक्रम से। तो इसको कहते हैं, ऑप्शन है अपरदन, अपघर्षण, ऑक्सीकरण या फिर अपक्षय। तो इसको कहा जाता है दोस्तों अपक्षय, है ना। भौतिक प्रक्रम से अगर चट्टान टूटता है तो इसको क्या कहते हैं, अपक्षय कहा जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, यानी कि जो बीज होता है, है ना, तो उसका हम संरक्षण कहाँ पे करेंगे, है ना, उसको हम रख रखाव कहाँ पे करें ताकि वो संरक्षित रहे। ऑप्शन कह रहा है कि ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में। देखिए, ठंडी क्षेत्र में तो आप रखिएगा लेकिन आर्द्र क्षेत्र नहीं होना चाहिए, सूखा क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा है गर्म वाले क्षेत्र में आप नहीं रखेंगे, सूखा में रख सकते हैं। तीसरा है ठंडी क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र। बिल्कुल सही है, ठंडा क्षेत्र होना चाहिए और वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बीजों के सर्वोत्तम संरक्षण के लिए ऐसा जगह होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फोर नंबर प्रश्न, कह रहा है कि इंद्रावती, जी हाँ इंद्रावती क्या है, तो नदी है। प्राणहिता क्या है, तो ये भी नदी है। और साबरी क्या है, तो ये भी नदी है। और ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। जी हाँ, सहायक नदी किसे कहते हैं, जैसे कि ये कोई बड़ी नदी बह रही है तो इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती है, तो इसी छोटी नदी को कहा जाता है सहायक नदी। तो ये जो इंद्रावती है, प्राणहिता है, शबरी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी की, ठीक है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में एक पठार है, ठीक है, जिसका नाम है त्रियंबक पठार। क्या नाम है, त्रियंबक पठार, ठीक है। यहीं से निकलती है आपको कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी, ठीक है। त्रियंबक गांव है दोस्तों, है ना, त्रियंबक गांव है, नासिक जिला में पड़ता है ये त्रियंबक गांव, और त्रियंबक पठार भी है छोटा सा, और वहीं से ये निकलता है आपको गोदावरी नदी, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होते हुए, तेलंगाना होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती है। तो ये याद रखिएगा, इसके और भी बहुत सारे नदियाँ जो है वो सहायक नदी है। कौन कौन सी नदी है, जैसे कि प्रावरा नदी,
प्रवरा नदी भी इसकी सहायक नदी है, याद रखना है। एक है आपका मंजरा नदी, है ना, मंजरा नदी भी इसी की सहायक नदी है। और कौन सी नदी है, बेन गंगा है, वर्धा है, पैन गंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, मानेर है, सावरी है, तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है वो गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा के बारे में आपको बताए थे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी भी आपको महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ही निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है, या फिर ब्रह्मगिरी वहीं पर है, वहीं से निकलती है आपको कावेरी नदी। ठीक है, साबरमती नदी, ये तो आपको आपको गुजरात में बहने वाली नदी है आपको साबरमती नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। जी हाँ, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, ये कब किया गया था, वो 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। और ये अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था वो किस नाम से किया गया था, तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसका अंग्रेजी अनुवाद है, तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसी का अंग्रेजी अनुवाद है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको पहली बार कब गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, सबसे पहले 1911 ईस्वी में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। ठीक है, तो आंसर हो गया बी नंबर। अगला है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छूत, है ना, छूत की बीमारी नहीं है। जी हाँ, छुआ छूत की बीमारी कौन सी नहीं है। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, तो छुआ छूत की है। बी नंबर है हिस्टीरिया जो है ना, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। टाइफाइड जो है, ये भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। चेचक भी आपको छुआछूत की बीमारी थी। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको सही दे दिया है, नहीं पूछा गया था, तो टाइफाइड और हिस्टीरिया। टाइफाइड कैसे फैलता है, तो टाइफाइड अगर आप गंदा पानी पीते हैं या फिर दूषित खाना खाते हैं तो उससे टाइफाइड आपको होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी और सी, यहाँ पर दोनों होना चाहिए। ठीक है, आप इसके बारे में क्या कहना है आपका, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। जी हाँ, तो मरुभूमि मतलब मरुस्थल वाले क्षेत्र, तो जो मरुस्थल वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर अपरदन का जो सबसे शक्तिशाली स्रोत है वो क्या है। तो मरुभूमि में क्या होता है, मरुस्थल में क्या होता है, तो रेत भरी आंधियाँ चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती है वहाँ पर, तो मेन रूप से जो है दोस्तों वो हाँ हवा चलती है, है ना। तो 7 का हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, मेन रूप से जो मरुभूमि को अपर्दित करता है वो हवा के द्वारा ही अपर्दन होता है। और मरुभूमि क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत प्रकार की आकृति भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो हवा से निर्मित हो जाता है आपका, जैसे कि छत्रक शैल, नाम सुने होंगे कि छत्रक शैल की आकृति का निर्माण कहाँ होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। और फिर दूसरा जो आकृति होता है वाताग्र, ठीक है, वात गर्त का भी निर्माण हो जाता है। इनसेल बर्ग का नाम सुने होंगे, यारडंग का नाम सुने होंगे, ज्यूगेन का नाम सुने होंगे, तो ये जो आकृतियां हैं इसका निर्माण होता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि मरुभूमि क्षेत्र में। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो हवा से होता है, क्योंकि वहाँ बहुत तेज आंधियाँ चलती है, बालू का टिब्बा भी वहाँ पर बन जाता है आपका, है ना, तो ये होता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होती है। जी हाँ, किसी तारे की दूरी को, मतलब एक तारा यहाँ पर ही है, है ना, एक तारा यहाँ है, एक तारा यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी को हम किससे नापेंगे, तो इसको प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर होता है आपको एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पर किलोमीटर रहता तो 9.46 × 10⁻½ किलोमीटर भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना होता है आपको एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है तारों की दूरी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर का आ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या फिर हाइड्रोलिसिस। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि वायु श्वसन इसको कहा जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि कोंकण रेलवे, जी हाँ, जो कोंकण रेलवे है ये निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। जी हाँ, देखिए कोंकण रेलवे जो है ना, ये आपको पश्चिमी घाट पर्वत में देखने को मिलेगा। आपको ये पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है, तो पश्चिमी घाट पर्वत में आपको देखने को मिलेगा कोंकण रेलवे। और इससे किस किस राज्य को लाभ होता है, तो वो है आपका गोवा, है ना, मध्य प्रदेश में तो होगा ही नहीं, है ना। ऑप्शन कुछ हट लीजिए तो यहाँ पर आपको तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गोवा को इससे लाभ होता है, महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पर कर्नाटक है, उसके बीच में आपको गोवा मिलेगा और केरल मिलेगा। तो गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और केरल है, यानी कि इस 4 राज्यों को कोंकण रेलवे से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एक प्रश्न याद रखिएगा कि कोंकण जो रेलवे है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो बनने के लिए शुरुआत हुआ था, मार्च 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने के लिए, और ये बन करके तैयार हो गया था आपका 1995 ईस्वी में, ठीक है। 1995 में ये बन के तैयार हो गया था, और इसकी जो कुल लंबाई याद रखिएगा, तो 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है कोंकण रेलवे की, ठीक है। और कौन कौन राज्य, तो हमेशा पूछा जाता है कि किस किस राज्य से इसको लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर की, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे कहा जाता है। तो वो है आपका बेंगलुरु, ठीक है, वो है आपका बेंगलुरु, जिसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी। बेंगलुरु को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी इसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला है आपका 12 नंबर की, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। दोस्तों बताइए, तो हम्पी के जो खंडहर आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। तो 12 में आपको जाना पड़ेगा कहाँ, तो वो कर्नाटक जाना पड़ेगा, कर्नाटक में है आपको हम्पी, ठीक है। और कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित हम्पी से मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम्पी से क्या प्राप्त हुआ है याद रखिएगा, विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है। उसकी राजधानी कहाँ था, हम्पी, और विजयनगर जो साम्राज्य था उसका स्थापना किसने किया था, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई था, उन्होंने ही 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था आपको, है ना, विजयनगर साम्राज्य की। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर की, मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, कई बार पूछा गया है मालगुड़ी डेज, तो इसके जो लेखक है वो है आपको आर के नारायणन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। देखिए आर के नारायणन और के आर नारायणन ये दोनों अलग चीज़ है ना, कन्फ्यूज नहीं करना है। के आर नारायणन अलग है, के आर नारायणन जो थे ना ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, के आर नारायणन, और इनकी भी पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, है ना। के आर नारायणन की पुस्तक क्या है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक लिखी थी के आर नारायणन ने, और आर के लक्ष्मण हो जाएगा मालगुड़ी डेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 14 नंबर कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग, जी हाँ, जो प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है, है ना, सुबह में, तो उसको कहते हैं, आंसर नंबर हो जाएगा आपका भैरवी, काल भैरवी उसको कहते हैं प्रातः काल में जो गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, टीवी कंट्रोल यूनिट, जी हाँ, जो आप टीवी जो चलाते हैं, है ना, जो देखते हैं आप, तो टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है। दोस्तों तो आप देखते हैं रिमोट चलाते हैं, तो वो किसके द्वारा, तो वो रेडियो तरंग के माध्यम से वो आपका चलता है, ठीक है, रेडियो तरंग। 15 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। तो संभाजी के पश्चात किसने संभाला था, बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका राजा राम ने संभाला था संभाजी के पश्चात, ठीक है। चलिए आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात, है ना, बहुत ज़्यादा आप मेहनत जब कर लेते हैं, है ना, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से होता है। जी हाँ, तो मांसपेशी में जो थकान होता है वो लैक्टिक एसिड के जमाव के वजह से होने लगता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप कठिन परिश्रम कर लेते हैं तो आपके मांसपेशी में जो थकान होता है वो किसके वजह से, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के वजह से। 17 का हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, 18 नंबर कह रहा है
कि टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेल की एक छोटी सी थैली होती है। सिलिका की जेल क्यों उसमें डाली जाती है? देखिए, जो टैबलेट होता है या फिर पाउडर वाली जो दवा होती है उसके अंदर आप देखिएगा तो एक छोटी सी थैली मिलेगा आपको, और वो थैली किसकी रहती है? तो सिलिका की रहती है। वो क्यों डाली जाती है? तो वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि नमी उसके अंदर न पनप पाए। ठीक है, अगर नमी उसके अंदर आ जाएगा तो ये जो दवा है, टैबलेट है ना, जो पाउडर है, वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इसीलिए वो मतलब छोटी सी थैली डाली जाती है, वो सिलिका की थैली रहती है, नमी को सोखने के लिए डाला जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। 150-200 लोग देखते हैं लेकिन लाइक कितना रहता है? तो मात्र 30-40-50, कम से कम 100 लाइक तो पहुंचाइए। कह रहा है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका क्या कारण है? तो कृष्ण छिद्र का नाम आप सुने होंगे, तो एक ऐसा पिंड है ना, इसके अंदर अगर कुछ समा गया तो वो बाहर निकलने नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें अत्यधिक घनत्व होता है ना, अत्युच्च घनत्व यहाँ पर लिखा है, मतलब अति उच्च इसमें घनत्व होने के वजह से ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? देखिए, एंडोस्कोपी का नाम सुने होंगे, तो एंडोस्कोपी जो है वो किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। 20 का आंसर नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला चलते हैं आपका 21 नंबर, और आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे 100 प्रश्न। जी हाँ, पूरे 100 सवाल आज देखेंगे। हाँ, करा एक प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? जी हाँ, केशिकत्व। तो केशिकत्व किसके लिए होता है? तो पहले ये सोख आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्याही सोखने के लिए होता है, ठीक है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों को फैलाने के लिए, और पौधे की जड़ों में इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठाने के लिए। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत है। करा कि भूमिगत जल का ऊपर उठाने के लिए केशिकत्व प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। 22 कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन, जी हां, जब लॉर्ड जो माउंटबेटन था, विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत क्यों आया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत आया था वो क्यों आया था, क्या कारण था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि कांग्रेस को, है ना, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था आपको लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका 22 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, जी हाँ, तो वो सुल्तान का नाम था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था ना, ये नहरों का जाल बिछा दिया था भारत में, इसीलिए इसको कहा जाता था नहर के लिए ये प्रसिद्ध था आपका, ठीक है, नहरों के लिए फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा आपका 23 का आंसर नंबर सी। और ऐसा कहा जाता है कि उसने 300 नए नगर भी बसाया था, ठीक है, जिसमें हिसार था, फिरोजाबाद था यानी कि दिल्ली वाला भाग, फतेहाबाद था, जौनपुर था, फिरोजपुर था, ठीक है, और ये 5 बड़ी नहर का निर्माण करवाया था आपको फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर कि एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जी हाँ, एक लड़की क्या है, तो बैठ करके झूला झूल रही है, जब वह लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले की अवधि क्या हो जाएगा? जी हाँ, वो बैठ के झूल रही थी, अब वो क्या हो गई, झूला पर खड़ा हो गई, तो झूला की स्थिति क्या हो जाएगा? लघुत्तर हो जाएगा यानी कम जाएगा, या दीर्घ हो जाएगा यानी तेज हो जाएगा, या लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो क्या होता है इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में होता है लघुत्तर यानी कि कम जाएगा, है ना, झूला जो झूल रहा था वो क्या हो जाएगा आपको, कम जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है कि अलमाटी बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है ये, कई बार पूछा गया है अलमाटी बांध के बारे में, किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी जो बांध है ये कृष्णा नदी पर है आपका, किस पे है, कृष्णा नदी पर है, और ये कहाँ है तो पूछ लिया जाए तो हो जाएगा कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए
गोदावरी नदी के बारे में आपको बता ही दिए हैं, त्रियंबक गांव से निकलती है ना, त्रियंबक पठार है वहीं पर, वहीं से निकलती है नासिक जिला में, ठीक है। और कावेरी नदी कुर्ग या ब्रह्मगिरी से, और महानदी आपको निकलती है छत्तीसगढ़ के जनपाव पहाड़ी से। नेक्स्ट है 26 नंबर, करेक्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। जी हाँ, पौधा को प्रत्यारोपण यानी कि रोप करके उस पौधा की खेती की जाती है, तो किसकी खेती, मकई रोपा जाता है, नहीं सोरधम ये भी रोपा नहीं जाता है, सोयाबीन भी रोपा नहीं जाता है, प्याज हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका 27 नंबर, कह रहा है कि जीटी रोड, जी हाँ जीटी रोड का नाम सुने होंगे आप लोग, तो जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो वो था आपको शेर शाह सूरी। 27 का क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड भी नाम आप कहा जाता है इसको, है ना, तो वही था आपको जीटी रोड, ठीक है। ये जो रोड था ना, ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये जो रोड था पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल के सोनर गांव को इसको ये जोड़ता था, ये जीटी रोड, ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान के पेशावर से पश्चिम बंगाल के सोनर गांव को इसको जोड़ता था ये। अगला है आपका 28 नंबर प्रश्न, है कि भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, केसर का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में, कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। केरल में सबसे अधिक क्या होता है, तो गरम मसाला के लिए जाना जाता है केरल। बिहार किसके लिए जाना जाता है, तो आपको लीची के लिए जाना जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर की, परमाणु बम की खोज किसने किया था। जी हाँ, परमाणु बम की खोज किसने किया, तो 29 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑटो हान ने किया था परमाणु बम की खोज। कौन किया था, ऑटो हान। आपको कमेंट करना है कि किस कब किया था, ऑटो हान परमाणु बम की खोज कब किया था। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, पुष्प मतलब फूल, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल का फूल है, है ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भारत का। अगर पूछ लिया जाए बिहार का, तो बिहार का हो जाएगा गेंदा, है ना, गेंदा का जो फूल है ये बिहार का राष्ट्रीय फूल है, याद रखिएगा, बिहार वाला भी, बिहार का राष्ट्रीय मछली क्या है, तो मछली हो जाएगा मांगूर, है ना, मछली हो जाएगा आपका मांगूर, और चिड़िया हो जाएगा गौरैया, ठीक है, और आपका पेड़ हो जाएगा आपको पीपल का पेड़, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, समझ गए ना, और पशु में हो जाएगा बैल आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, कह रहा है कि डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जी हाँ, सी वी रमन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सी वी रमन को जो प्राप्त हुआ था ये किस मतलब किस विषय में प्राप्त हुआ था, तो 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको प्राप्त हुआ था आपको भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में, और इनको कब प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा इनको मिला था 1930 का नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, और 1969 में अर्थशास्त्र भी इसमें जुड़ गया था, तो अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज। देखिए सी वी रमन को जो दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है, और तो रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनके द्वारा ही रमन प्रभाव की खोज जो की गई थी वो 28 फरवरी को हुआ था, ठीक है, कब किया गया था, 28 फरवरी को किया गया था, और इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, प्रत्येक 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है अल्फांसो, जी हाँ, आम का समय तो आ गया, है ना, आम का सीजन आ गया, और सबसे खाने मज़ा आता है आम, तो अल्फांसो जो आम है ये क्या है, तो ये एक आम का किस्म है, पहले मैं बता दिया ये क्या है, तो अल्फांसो एक आम का किस्म है, ये खास करके जो पाया जाता है, ये जो आम है ये पश्चिमी भारत में ज़्यादा करके देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो सबको पता है कि अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इसको मतलब कि पद से हटा दिया गया, और ये रंगून में इसकी जाकर के मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का आंसर नंबर डी, 1862 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो मृत्यु भी ध्यान रखिएगा 1862 में रंगून में मृत्यु होती है। रंगून कहाँ है, तो गाना सुने है ना, हाँ, तो रंगून है आपका म्यांमार वाला, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका रंगून में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर,
कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, जो हमारा संविधान है इसका मसौदा जो तैयार करने के एक समिति गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे आपको B.R. अंबेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इसके अध्यक्ष थे आपको B.R. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और ये जो मसौदा तैयार हुआ था, जो प्रारूप समिति गठन हुआ था दोस्तों, तो इस पर 114 दिन तक बहस हुआ था। कितने दिन याद रखिएगा, 114 दिन इस पर बहस हुआ था आपको जाकर के। और इसके जो अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के, वो कौन कौन थे, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और टी कृष्णाचारी थे, डी खेतान भी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, और KM मुंशी थे। तो इतने लोग थे इस समिति के सदस्य। अध्यक्ष पूछा जाता है तो B.R. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलने वाला गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र, और छिद्र से क्या निकलता है, तो वो है लावा। जी हाँ, जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है लावा। अब ये पृथ्वी के अंदर रहता है, यही लावा पृथ्वी के अंदर, इसको क्या कहते हैं, तो अंदर में कहते हैं इसको मैग्मा। और जब ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है लावा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो लावा होता है दोस्तों, इसका जो मुख होता है जहाँ से ये निकलते रहता है, तो इसके मुख को क्या कहते हैं, मुख को कहते हैं क्रेटर। मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है। और जब ये लावा निकलना बंद हो जाता है और बरसात के दिन में इसमें पानी भर जाता है, तो इसी को नाम पड़ जाता है क्रेटर झील। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है लावा। अगला है आपका 36 नंबर, कह रहा है 36 नंबर कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं, और भाषा और कला विकसित कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं आपको, आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सेरी ब्रम। उसको क्या कहते हैं, सेरी ब्रम कहा जाता है। अगला है आपका कि शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो शक संवत है ये कब शुरुआत हुआ था, तो 78 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुआ था शक संवत, याद रखिएगा। और ये किसने शुरुआत किया था, तो कनिष्क ने शुरुआत किया था। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, इसी शक संवत पर आधारित है। और भारत ने कब अपनाया, तो 1957 ईस्वी में इसको अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कनिष्क का शासन, आंसर नंबर ए। और 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने ये अपना राज्याभिषेक किया था और उसी उपलक्ष्य में ये शुरुआत किया था। नेक्स्ट है 38 नंबर की, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। जी हाँ, काली मिट्टी, तो भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है ना, ये चित्र को देखिए आप, तो चित्र में आपको नज़र आएगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है महाराष्ट्र वाला इलाका, महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र जो ये वाला है, MP वाला है, ये तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, नीचे कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ऊपर गुजरात वाला क्षेत्र है, तो इतने एरिया में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। और यही है आपको दक्कन का पठार, क्या है ये, दक्कन का पठार का जो पठार जो है ये पूरी काली मिट्टी वाली क्षेत्र है। इस पठार के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा दक्कन का पठार। देखिए काली मिट्टी को ही और भी इसी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, क्या कहते हैं, काली मिट्टी को ही दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, है ना, या फिर इसी को कहा जाता है कपासी मिट्टी भी। इसी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है भारत में, तो गंगा के मैदान में है, नहीं नहीं है, मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक है, या फिर आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन है आपका हिमालय क्षेत्र में, नहीं हो जाएगा, पूर्वी डेल्टा, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य दक्षिणी क्षेत्र में इसका क्षेत्र पड़ेगा आपको काली मिट्टी का। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि वास्को डिगामा, जी हाँ वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा था। देखिए वास्को डिगामा जो था ये कहाँ के था, तो पुर्तगाल का था, और ये 1498 ईस्वी में ये भारत पहुँचा था। और भारत में कहाँ पर पहुँचा था, तो ये केरल राज्य है, केरल के कालीकट तट पर इन्होंने पहुँचा था, और इसका जो स्वागत किया था वो जमोरी नामक वहाँ का राजा इसका स्वागत किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और ये आया था आशा अंतरिप होकर के, आशा अंतरिप कहाँ पर ही है, तो अफ्रीका महादेश, आप देखिएगा है ना, अफ्रीका महादेश यहाँ पर ही है, और अफ्रीका महादेश का जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है इसी को कहा जाता है उत्तम आशा अंतरिप, और यहीं से होते हुए मेडागास्कर द्वीप यहाँ पर ही है, और
से होते हुए भारत पहुंचा था आपको कालीकट, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा कालीकट। अगला चलते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक था। वाह गजब का आदमी भाई, है ना। तो ये मतलब इतना साला, मतलब इतना सब चीज़ इसके अंदर था, मतलब ये क्या है, प्रतिभाशाली है, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे, गणितज्ञ भी थे, विद्वान भी थे, कलाकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, महान लेखक भी थे। ये कौन थे? तो वो थे आपको लियोनार्डो द विंसी। कौन थे? लियोनार्डो द विंसी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सोच लीजिए कितने महान आदमी थे। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। कह रहा है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? जी हाँ, तो भारत में जो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये बिछाई गई थी आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच में इसका शुरुआत हुआ था। 34 किलोमीटर की ये दूरी थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चला था आपका। 41 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। और ये कब चला था? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में ये चला था आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जी हाँ, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला है आपका 43 नंबर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है दोस्तों सोना, है ना। सोना मुक्त अवस्था में मिलता है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और भारत में सबसे अधिक सोना का खान कहाँ है? तो कर्नाटक वाला क्षेत्र में। और हीरा पूछे तो मध्य प्रदेश में। अगला है आपका 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? जी हाँ, वो किस राष्ट्रवादी नेता था जो जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो वो था दोस्तों आपका 44 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नहीं, उनका नाम था आपको सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ हाँ, उनका नाम क्या था? सीराज गोपालाचारी नहीं, सुभाष चंद्र बोस उनका नाम था, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 45 के बीच में, तो सुभाष चंद्र बोस के जो अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाहते थे, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? जी हाँ, वो कौन सा कृषि है जो क्या है, इको फ्रेंडली है? तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है ना कि इसमें बहुत कम मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, नहीं के बराबर इसमें खाद डाला जाता है, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इको फ्रेंडली होता है, मतलब कि ये पर्यावरण से मतलब इको फ्रेंडली उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर। कह रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो अंग्रेज के शासनकाल में भारत में उद्योग का जो स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका जो मेन कारण था वो क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विदेशी पूंजी की दुर्लभता, है ना, विदेशी पूंजी की दुर्लभता के वजह से। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईसा की तीसरी सदी से जब तक हूनों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, तो भारतीय व्यापारी अधिकारी किस पर निर्भर रहते थे? तो भारतीय व्यापारी जब ईसा की तीसरी सदी तक, जब हूनों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, तो भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से जो निर्भर हो गए थे वो किस पर निर्भर हुए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर। दक्षिणी पूर्व एशियाई के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे? तो आपका कंबोडिया है, जावा है, सुमात्रा है ना, तो ये सब हो गया दक्षिण पूर्व एशियाई के, मतलब इधर से व्यापार शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जी हाँ, जब पटाखा फोड़ते हैं तो जो लाल रंग दिखता है ना, वो स्ट्रॉन्शियम के वजह से होता है। किसके वजह से? स्ट्रॉन्शियम के वजह से। 48 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। जी हाँ, तो शासन की जो संघीय प्रणाली किस नियम के अंतर्गत स्थापित की गई है? तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है आपका 50 नंबर। कह रहा है कि नालाईरम
काव्य संग्रह में किसका श्रेय है? जी हाँ, नालाइरम जो काव्य संग्रह है इसमें किसका श्रेय है? तो 50 का क्या हो जाएगा आपका, 12 अलवार का इसमें संग्रह है, ठीक है, इसका श्रेय जाता है 12 अलवार को। नेक्स्ट है कि 51 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा वो शहर है जो कर्नाटक में स्थित है? जी हाँ, तो वो है नंजनगुड़ जो शहर है ये कर्नाटक में पड़ता है आपका। अगला है आपका 52 नंबर कि इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो जे जयललिता थी, है ना, जे जयललिता क्या थी, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर बिहार का पूछे तो राबड़ी देवी हो जाएगा, है ना, बिहार का राबड़ी देवी। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अगला है 53 नंबर कि केरल के इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, केरल में इडुक्की परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ये है आपका केरल राज्य, है ना, नीचे वाला राज्य केरल राज्य, यहाँ है इडुक्की परियोजना, ये है आपको पेरियार नदी पर, ठीक है, पेरियार नदी पर है, है ना। पेरियार नदी जो है ना पश्चिमी घाट से निकलती है, ये अरब सागर में जा करके गिर जाती है आपका, ठीक है। पेरियार यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो वो भी आपको केरल में ही है, है ना, याद रखिएगा। और ये किस लिए फेमस है? तो हाथी के लिए फेमस है, ठीक है, केरल में हाथी बहुत अधिक मात्रा में है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 54 नंबर की संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक, तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक होती है वो वर्ष में कितनी बार होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 54 का क्या हो जाएगा आपका कि वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। कब होती है बैठक, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी बैठक होती कब है। तो याद रखिएगा इसकी जो बैठक होती है वो प्रति वर्ष सितंबर माह में तीसरे मंगलवार को होती है, ठीक है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, ठीक है, थर्ड मंगलवार को होता है इसका बैठक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा? तो वो हो जाएगा 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 5 मई को क्या मनाते हैं? तो विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है ना, विश्व सूर्य दिवस 5 मई को मनाया जाता है। 5 जून को तो पता ही आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, है ना, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और 18 अप्रैल अभी आपको बता दिए विश्व विरासत दिवस। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आपका जो क्लास है ना डेली आपका 9 बजे से क्लास चलता है, तो सभी लोग 9 बजे से खाना पीना खा करके एकदम तैयार रहिएगा, है ना, वो 9 बजे से आपका डेली क्लास लाइव चलता है। और अभी तक एक भी दिन गैप नहीं हुआ है, बस ये आप ही लोग के योगदान की वजह से अभी तक गैप नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए ताकि ये क्लास आगे रेगुलर रहे। तो OIC का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। OIC जो है इसकी स्थापना कब होती है पूछा जाता है प्रश्न, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कब हुई थी? तो सितंबर 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा सितंबर 1969 में इसकी स्थापना होती है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका जो है वो सऊदी अरब में जिद्दा में है, सऊदी अरब के जिद्दा में इसकी मुख्यालय है। और ये है देखिए आपका प्रधान शिक्षक का जो क्लास चल रही है, और इसमें अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ने से फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा तो होना ज़रूरी है ना, तो फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि आपको वहाँ पर PDF मिलेगा, जो भी क्लास हुआ उसका PDF मिल जाएगा। अभी तक देखिए 22वां क्लास आज है, इसका सभी PDF मिल जाएगा आपको, इसका वीडियो मिल जाएगा, इसका और भी अदर नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो आपको करना क्या है? तो 251 रुपये का कम से कम आपको सहयोग करना है इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है। वहाँ से आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ पर आपको PDF वीडियो नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको एक ही बार सहयोग करना है, ये बार बार सहयोग नहीं करना है, ये बस सहयोग राशि है। क्लास तो आपकी बिल्कुल फ्री ही चल रही है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक ही रहेगा तब तक उसको क्या रहेगा? लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहेगा। अगर विश्वास खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका 57 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर कह रहा है कि सागर जल के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो सागर के जल होते हैं, जैसे कि इधर है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो इसका जल क्या होता है? रहता है ना ऊपर नीचे, कभी समुद्र के किनारे जाइए तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा।
भाटा इसको कहा जाता है। और ये क्यों होता है, तो ये होता है चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के वजह से, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंद्रमा और सूर्य की शक्ति के वजह से ये होता है, तो सबसे ज़्यादा शक्ति इसमें किसकी लगती है, तो वो चंद्रमा की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से ये ज़्यादा तीव्र ऊपर उठता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, नज़दीक है, सूर्य हमसे काफ़ी दूर है, इसीलिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ज़्यादा के वजह से ये जो ज्वार भाटा है ज़्यादा उठता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो सागर का जल होता है जब ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, ये याद रखिएगा, जब ऊपर उठा पानी तो उसको ज्वार कहेंगे, जब यही पानी सागरीय तल में नीचे गिरकर पीछे लौट जाता है तो उसको भाटा कहते हैं, ठीक है। ऊपर उठा तो ज्वार, और यही नीचे गिर के पीछे की ओर फिर सागर में चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, चलिए देखते हैं 59 नंबर, इसका जवाब दीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लें, गला सूख रहा है। चलिए तो 59 प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। जी हाँ, स्थानीय स्वशासन जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और ये कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न हम आपको बताए थे कि लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में क्या हुआ था, कि नियमित जनगणना हुआ था, है ना। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरुआत हुआ था, तो लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में, और जब 1881 में हुआ था प्रथम नियमित जनगणना, और इसी के बाद फिर 10 साल पे लगातार जनगणना होना चलते रहे, अभी तक चल रहा है आपका, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला है आपका 60 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु से संदर्भ प्रयुक्त होता है। जी हाँ, पीली क्रांति जो है ना, ये आपको है खाद्य तेल से संबंधित है, किससे है, खाद्य तेल। और दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसको कहते हैं श्वेत क्रांति, है ना। वर्गीज कुरियन शुरू किए थे 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 61 नंबर, कह रहा है कि स्वदेश में विकसित यानी विकसित किसी वस्तु का नाम पृथ्वी है। जी हाँ, अच्छा, स्वदेश में विकसित मतलब कि इसको भारत में ही विकसित किया गया, हमारे देश में खुद इसको विकसित किया गया, उसका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है ना वो क्या है, तो पृथ्वी है आपकी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी पृथ्वी। और इसकी जो मारक क्षमता, याद रखिएगा, 250 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और ये जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है, कैसे मार करता है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है, इसको भारत ने खुद बनाया है। अगला है आपका 62 नंबर कि तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है। जी हाँ, तमिलनाडु का पूछ रहा है, तो तमिलनाडु में मूंगफली बहुत अधिक मात्रा में होता है, है ना। ऑप्शन के अनुसार मूंगफली हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कपास कहाँ होता है भारत में, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कपास में गुजरात टॉप पर है, ठीक है। कपास में गुजरात आपका टॉप पर कर गया है, पहले महाराष्ट्र था, अभी गुजरात आगे निकल गया है। कॉफ़ी तो आपका कर्नाटक होता है, कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और काजू में केरल है, है ना, काजू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो केरल में होता है, याद रखिएगा। अगला है आपका 63 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है। जी हाँ, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी है, तो वो हो जाएगा आइडिया, है ना, आइडिया जो आप मोबाइल सिम यूज करते हैं, तो ये आइडिया हो जाएगा आपका निजी कंपनी है, बाकी सब ये सब क्या है, सरकारी कंपनी है। BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, है ना, BSNL को क्या कहते हैं, भाई साहब नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ये बिहार में है, आपको बाढ़ में है, है ना, बाढ़ मोकामा नाम सुने हैं, तो वहीं पर है आपको, आंसर हो जाएगा 64 का आंसर नंबर सी। और जो बाढ़ में सुपर थर्मल पावर जो परियोजना है, इसमें से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, तो 2500 मेगावाट इससे उत्पादन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 2500 मेगावाट इससे उत्पादन होता है। और इसका जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, उद्घाटन हुआ था, वो 1999 में इसकी उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्रीय मंत्री जो थे उसका नाम था, क्या नाम था, पी कुमार मंगलम नाम था, है ना, पी कुमार मंगलम के द्वारा ये किया गया था। अगला है 65 नंबर, कह रहा है कि PSLV C3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड
उपग्रह किस राष्ट्र का है? जी हाँ, पड जो उपग्रह है ये किस देश का है और ये किसके द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो PSLV C3 के द्वारा छोड़ा गया था और ये जो है आपका जर्मनी का होगा, है ना। 65 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ये जो है आपका कहाँ का है, तो जर्मनी का है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, कह रहा है कि कोलार, है ना, कोलार की जो खाने हैं, है ना, वो कर्नाटक में है और ये सोने की खान के लिए फेमस है दोस्तों, और ये स्थान कहाँ है बताइए आपको, तो कोलार कर्नाटक, ये कहाँ पर ही हो जाएगा, 66 का आंसर नंबर हरदी में पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सोनभद्र जिला में पड़ता है आपको, है ना। अच्छा, कर्नाटक के अतिरिक्त कर रहा था ना, तो वही तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, है ना। कोलार जो है ये कर्नाटक में पड़ता है लेकिन इसके अतिरिक्त कह रहा है कि सोने की खान कहाँ स्थित है, अच्छा तो वो है हरदी में, और हरदी कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है, है ना, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब कि यहाँ पर सोने की खान का पता चला है। अगला है आपका 67 नंबर, कह रहा है कि किस बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, कीमोथेरेपी का उपयोग किस में करते हैं, कैंसर में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में या फिर हेपेटाइटिस ए में फिर आर्थराइटिस में, तो ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो वो हो जाएगा कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है ना, कैंसर में। नेक्स्ट है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है, तो सबसे कम तरंग की लंबाई वाली किरणें है वो है गामा किरणें, ठीक है, याद रखिएगा गामा किरणें, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर, कह रहा है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची क्या होगी? जी हाँ, जितनी तीक्ष्ण आवाज होगी उतनी ही ऊंची आवृत्ति होगी, यानी कि पिच होगा उतना ही ऊंचा क्या होगा, पिच जिसको कहते हैं आवृत्ति होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर, कह रहा है कि एक पात्र जिसमें पानी है, ठीक है, एक बीम तुला पर साम्यता में है और जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना क्या होगा, तो बताइए 70 का क्या होगा, 70 का हो जाएगा आपका स्थिर रहेगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर की हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, जी हाँ, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन या फिर ब्रोमीन, तो 71 का हो जाएगा आपका फ्लोरीन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। कल जो आपकी क्लास होगी वो आपका बीएड और डीएलएड से संबंधित होगा, ठीक है, याद रखिएगा कल किससे होगा, तो बीएड और डीएलएड वाला कल प्रश्न लिखेंगे आकर के, ठीक है। चलिए, एक दिन आपका डीएलएड से चल रहा है और एक दिन आपका चल रहा है सामान्य अध्ययन। कह रहा है कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहते हैं, जी हाँ, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना कि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती है, और नज़दीक दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखता है, ये चीज़ दोनों में उल्टा होता है आपका। अगला है कि एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, दोस्तों एक किलोमीटर में क्या कह रहा है, मिलीमीटर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 73 का। अब देखिए, किलोमीटर को पहले मीटर में अगर चेंज कीजिएगा तो एक किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1/3, है ना, तो 1/3। अब ये आ गया आपको किलोमीटर में, ठीक है, एक किलोमीटर में इतना मीटर आ गया आपका। अब मीटर को क्या चीज़ में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में, तो इस पर 2 और बैठा दीजिए, अब आ गया सेंटीमीटर में, अब इसको बदल देना है मिलीमीटर में, तो 1 और बैठा दीजिए, यानी कि 1/6 कहाँ है, आंसर हो जाएगा 73 का सी नंबर, ठीक है, 1/6। देख लीजिए, पहले किलोमीटर को मीटर में, मीटर से फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर में चेंज कर दीजिए। अगला है आपका प्रश्न 74 नंबर, कह रहा है कि एक साइकिल चालक है, ठीक है, तो कह रहा है कि एक साइकिल जो चालक है वो मोड़ पर अंदर की तरफ झुकता है जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है, 74 का हो जाएगा आपका सी नंबर प्रश्न, यानी उत्तर, कह रहा है कि साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इसके वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती है, तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में ये समानांतर तथा समान दूरी पर होती है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपका
केलिडोस्कोप कहते हैं इसको, केलिडोस्कोप। आज के सवाल में साइंस का थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न है, तो थोड़ा सा घबराना नहीं है, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर, कह रहा है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, तो किसकी संवेग ज़्यादा होगी। तो संवेग किसकी ज़्यादा होगी, तो वो हो जाएगा रेल इंजन की संवेग यहाँ पर ज़्यादा होगी। अगला है आपका 79 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्यों। देखिए जो झील जम जाता है ना, तो ऊपर वाला भाग इसका क्या होता है, जम जाता है, लेकिन जो अंदर वाला भाग होता है वो नहीं जमता है, तो इसकी वजह से मछली क्या होता है, वो जिंदा रहता है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बर्फीली मछली मैदान में सुसुप्तावस्था में रहती है, झील की तली पानी पर जमती नहीं है ना, सी हो जाएगा ना, बी नहीं होगा भाई, तो सी होगा, झील की तली जो है पानी पर जमती नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ऊपर तो जम जाता है लेकिन तल पर इसका नहीं जमता है, इसकी वजह से मछली जिंदा रहती है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर रहता है ना वो ज़्यादा रहता है, ऊपर का टेम्परेचर कम जाता है, इसलिए जम जाता है। अगला है 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा वो देश है जो सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है। तो सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 80 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 1045 है ना, 1045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ रखता है, और ये बांग्लादेश जो है ये विश्व का 11वां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। और भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है, भारत में कितना है 382, याद रखना है आपका, ठीक है। और नेपाल में कितना है, तो 184 है, पाकिस्तान में कितना है, तो 198 है, ये जनसंख्या घनत्व है आपका। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो है आपको मोनाको, है ना, मोनाको देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दुनिया में, और मोनाको का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 23,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, दुनिया में सबसे अधिक। अगला है आपका 81 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि विजयनगर आने वाले इटली का यात्री था, तो विजयनगर जो आया था वो इटली का यात्री कौन था, तो उसका था नाम निकोलो कांटी, क्या नाम था, निकोलो कांटी था, वो इटली का था, और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया था आपका, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, दोस्तों चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो 82 का क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि NaNO3 हो जाएगा, ठीक है, 82 का डी नंबर। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है। जी हाँ, तो सर्वप्रथम जो चंद्रमा पर जो मानव पहुंचा था वो पहुंचा था आपका 1969 ईस्वी में, ठीक है, 16 जुलाई 1969 को, यह नाम याद रखिएगा, 16 जुलाई 1969 को पहुंचा था सबसे पहले, और वो यान था आपका अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 यान से वहाँ पर पहुँचा था आपका, कौन पहुँचा था, उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी, और यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कह रहा है तो कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर यहाँ पर भारतीय शब्द लगा दिया जाए तो हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी, आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, 84 का बी। अगला चलते हैं आपका 85 नंबर, कह रहा है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो 85 का क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर की, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो था आपका शाहजहाँ, ठीक है, किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शाहजहाँ जो था ना, ये बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया था दोस्तों, जैसे कि आपका दिल्ली का आपका जामा मस्जिद हो गया, है ना, लाल किला हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये बहुत सारे मतलब कि महलों का निर्माण करवाया था आपको दिल्ली, मतलब शाहजहाँ ने, आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अगला है आपको 87 नंबर की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है ये आपको है मुंबई के ट्रांबे में, है ना, मुंबई के ट्रांबे में पड़ता है ये, महाराष्ट्र के ट्रांबे भी इसको कह सकते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा 87 का बी नंबर। और इसका जो स्थापना हुआ था ये 1955 में हुआ था, ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। अच्छा ये कुछ मैथ दिया गया है तो मैथ को यहाँ पर हम स्किप करते हैं, मैथ का अलग से वीडियो यहाँ पर तैयार किया जाएगा आप सभी के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न 94 पर, ठीक है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी रखा गया था। जी हाँ, बिहार टाइम्स ये पत्रिका है और इसका नाम बदल करके बिहारी कब रखा गया था, तो 94 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 1906 ईस्वी में, ठीक है। अगला है आपका 95 नंबर की बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकीली प्रतीत होती है। जी हाँ, तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है दोस्तों, हाँ चमकती प्रतीत हो रही है, तो कहाँ की मिट्टी होगा। 95 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर नवादा जिला। देखिए नवादा जिला की जो मिट्टी है वो थोड़ा सा चमकीली क्यों दिखती है, क्योंकि नवादा जिला जो है ना वो झारखंड से काफ़ी करीब है, और झारखंड किस लिए फेमस है, तो अबरक के लिए फेमस है, तो इसकी वजह से नवादा जिला की थोड़ी बहुत जो मिट्टी है जो सटी हुई क्षेत्र है वहाँ पर चमकीली नजर आती है। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला है आपका 96 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, प्रश्न है कि 5 से 7 किलोमीटर की जो पट्टी है, ये तराई जो क्षेत्र है ये कहाँ है, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि बिहार वाला जो इलाका है, तो आपको जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, है ना, तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो नेपाल से कौन कौन राज्य सटा हुआ है, तो नेपाल से आपको याद रखना है कौन कौन से राज्य सटा हुआ है। तो 96 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये सब जो राज्य है वो आपको तराई वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है आपको 97 नंबर की राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जी हाँ, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है, तो वो होता है राज्यपाल में होता है निहित, ठीक है। 97 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, 97 का ये हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 154 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 154 के आधार पर राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल का पद, है ना, राज्यपाल का जो पद है ये अनुच्छेद कितने में है, तो 153 में है, ठीक है। राज्यपाल का पद सिर्फ पूछे तो 153 में है, ठीक है। और राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित किस में हो, तो राज्यपाल में निहित है, ये किसके अनुसार, तो 154 के अनुसार, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर, कह रहा है कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है। जी हाँ, तो वैधानिक प्रधान कौन होता है, 98 का क्या हो जाएगा आपका, 98 का हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है, 98 का हो जाएगा आपका राज्यपाल, वैधानिक प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका 99 नंबर की राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये, और ये अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है नियुक्ति। सब में देखिए अलग अलग अनुच्छेद है, अगर पद पूछे तो 154 हो गया, ठीक है, और 55 में क्या है, सॉरी पद पूछे तो 153 हो गया आपका, राज्यपाल का पद किस में है, तो 153 में है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको नियुक्ति की जाती है, तो 155 के अंतर्गत की जाती है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 75 में किया गया है प्रधानमंत्री का वर्णन, है ना। चलिए अब मुख्यमंत्री कितने में है बताइए सभी लोग, मुख्यमंत्री कितने में है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, देखते हैं 100 नंबर प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा, देखिए मर्म और आत्मा का मतलब हुआ हृदय और आत्मा कहा है, है ना। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, सबसे पहले ये पता रखिए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार है क्या, तो ये है आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, ये क्या है आपको मौलिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। और इसको हृदय और आत्मा किसने कहा है, तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है, आंसर नंबर हो जाएगा 100 का सी, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, मौलिक अधिकार जो 32 है
संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसको कहा है हृदय एवं आत्मा। ठीक है, आप अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों अगर आपके आपके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके रीट दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार का रीट होता है वो आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। तो इसका आपको उत्तर भी दे दिया गया यहाँ पर, और आज का ये टेस्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। और जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं और तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा आपको सहयोग करना है ना, ताकि आपकी क्लास निरंतर चलती रहे। इसी प्रकार से आपको 251 रुपये का दोस्तों इस नंबर पर सहयोग करना, एक बहुत छोटा सा राशि रखा गया है ना आपका क्लास के लिए। ठीक है, ताकि आपको निरंतर इसका वीडियो PDF नोट्स वगैरह आपको मिलता रहे, तो आप 251 का सहयोग कर रहे इसी नंबर पर। और उसके बाद आपको इसी नंबर पर आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको सभी PDF जो भी क्लास हुआ अभी तक 22 क्लास हुआ है उसका भी मिल जाएगा, और आगे जो क्लास होगा उसका भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना काम करना है। इसके अलावे सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी है, संस्कृत है, और सोशल साइंस की भी क्लास आपका चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सबका यहाँ पर फी अलग अलग है, और सभी के लिए आपको कांटेक्ट दिया गया है नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो टेस्ट था वो टेस्ट नंबर आपका 22 था, टेस्ट नंबर 22 आपका आज समाप्त होता है। और कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 23। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे DLED BEd से संबंधित प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। आज है टेस्ट नंबर 22, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। आज हम लोग 100 प्रश्न देखे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है ना, और यहाँ पर हम लोग 100 संभावित प्रश्न देखे। आज का सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ जो सवाल था वो साइंस से थोड़ा सा ज़्यादा था है ना, तो उससे कोई घबराना नहीं है ना, क्योंकि साइंस भी आपको 15 से 20 सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे फ़ोन पे करना है, और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, चलिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, जो भी क्लास हुआ है उसका वीडियो भी मिल जाएगा, और अदर भी आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल इसी समय 9 बजे आपका डेली क्लास चलता है, और आप लोग भी जुड़िए 9 बजे। सभी लोग अपने इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए है ना, आपके जो भी मित्र हैं उनको थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी जुड़ सके और उनको भी लाभ हो सके है ना, बस इतना करना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको 9 बजे नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे क्लास से जुड़ सके। तो धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार से बने रहिए, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।